हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। और Hyundai Exter जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है ये लॉन्च हो गई है। Exter जो है ये डायरेक्टली कम्पीट करेगी टाटा पंच के साथ, और ये Hyundai की पहली एसयूवी है इस सेगमेंट में। और ख़ास बात Exter की ये है कि इसमें बहुत सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स हैं। अब चलिए सबसे पहले इसके लुक्स की बात करते हैं। लुक्स बड़े ही बोल्ड हैं इसके, दिस लुक्स रियली क्लासी सटल। यहाँ पे एच शेप के LED DRLs आपको दिख जाएंगे, इसके नीचे आपको इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। और ये जो लुक है बहुत ही फ्लश्ड है, बहुत ही प्लेन लुक है, लेकिन ये बहुत ही बोल्ड भी लग रहा है। जो इसकी ग्रिल है ये भी बहुत अच्छी तरह से फिनिश की गई है। जो डिज़ाइन है इसकी ये बहुत ही यूनिक है, और किसी गाड़ी में ये देखी नहीं गई है। यहाँ पे बम्पर भी इसका बहुत ही बोल्ड लुक का है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके एलॉय व्हील्स हैं जो 15 इंच के हैं, ब्लैक मशीन्ड फिनिश में आते हैं, जिसे डायमंड कट भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए इसके ORVMs जो है, ORVMs ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। साइड का लुक अगर हम देखें इसका, तो साइड से ऑफकोर्स एक प्रॉपर बॉक्सी लुक है, लेकिन एक यूनिक चीज़ आपको दिखेगी कि ये एक बॉक्सी SUV होने के बाद भी अगर आप इसके विंडशील्ड को देखें तो विंडस्क्रीन जो है इसमें आपको काफ़ी सारा एंगल मिलेगा, और ये इसे एक यूनिक लुक भी देता है। यहाँ पे रूफ रेल्स भी आप में मिल जाते हैं, और टॉप में अगर आप देखें तो जो ब्लैक टॉप है ये भी ऑप्शनल है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पीछे का डोर जो है ये काफ़ी लंबा लग रहा है, यू नो, एक छोटे SUV की अगर बात करें तो उसके हिसाब से ये डोर काफ़ी लंबा लग रहा है, एंड इस तरह से ये ओपन होता है। यहाँ पे आपको एक फ्लैड अप पोर्शन दिखाई देगा पीछे की तरफ, जो इसे थोड़ा सा एक मस्कुलर स्टांस देता है। यहाँ पे व्हील आर्चेस को देखें तो ये ब्लैक कलर में दिखेंगे, ये बाहर नहीं आ रहे हैं व्हील आर्चेस, ये बॉडी के साथ ही फ्लश्ड हैं, और ये इसकी एक यूनिक डिज़ाइन एलिमेंट भी है। पीछे अगर हम देखें तो इसके टेल लैंप जो है अगेन एच शेप में आपको इसके LEDs दिखाई देंगे, LED के हेडलैम्प है। और यहाँ पे एक ब्लैक स्ट्रिप जो है जिस तरह से फ्रंट बम्पर पे है उसी तरह से पीछे भी दिया गया है, और Exter की बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और नीचे अगर आप देखें बम्पर पे तो स्किड प्लेट जो है ये काफ़ी बड़ा साइज़ का है, काफ़ी थिक है, और इसे जो एक एडवेंचरस लुक मिलता है वो इसी से मिलता है। इसके सी पिलर पे भी देखेंगे तो यहाँ पे जो फ्रंट में जो डिज़ाइन एलिमेंट था वो इसके सी पिलर पे भी आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे शार्प क्रीजेज भी आपको दिखाई देंगे पीछे की तरफ। और यहाँ पे हैंडल्स अगर आप देखें इसके तो ये बहुत ही नए लुक के हैं, ये और किसी गाड़ी में ने देखे नहीं हैं। दिस लुक्स प्रीटी बिग, ये बड़ा भी लगता है और बहुत ही क्लासी लग रहा है, थोड़ा प्रीमियम टच ऐड कर रहा है इस गाड़ी को। अब चलिए इसकी बूट की बात करते हैं। इसका जो बूट स्पेस है 391 लीटर्स का आपको मिलता है, और कंपैरिजन के तौर पे देखें तो टाटा पंच में आपको 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो दिस इज़ प्रीटी डिसेंट, और लोडिंग के लिए भी ये काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा हाई अपर लिप नहीं है इसका। स्पेयर व्हील यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें। एक और चीज़ आप देखेंगे कि इसके डिज़ाइन एलिमेंट में ये जो पीछे का स्पॉयलर है, रियर स्पॉयलर, ये इसके लुक को बहुत ही ऐड करता है। दिस लुक्स रियली गुड, और एक मस्कुलर लुक भी इस गाड़ी को ओवरऑल ये स्पॉयलर प्रोवाइड करता है। अब इंटीरियर्स की बात करें तो आपको फेमिलियरिटी नज़र आएगी इसके इंटीरियर्स में। ग्रैंड आइटन नियोस से काफ़ी मिलते जुलते इंटीरियर्स हैं इसके। यहाँ पे जो स्टीयरिंग है इस पे कंट्रोल्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। इसका जो IP है ये फुल्ली डिजिटल है, और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे टच स्क्रीन जो है आपको 8 इंच का मिलता है, और इसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। प्लस इस गाड़ी में बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स है, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे फ़ोन के लिए वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डैश कैम लगा हुआ है जो Hyundai Venue में भी आया था, और ये इस डैश कैम में डुअल कैमरा है फ्रंट और रियर, और ये रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, आपके सेल्फीज़ भी आपके ले सकता है ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात आपको यहाँ पर नज़र आएगी कि यहाँ पर अगर आप देखें इसके गियर लीवर को, तो इसमें दो ट्रांसमिशन ऑप्शंस आते हैं, 5-speed का मैनुअल, और ये AMT है, 5-speed AMT, और जो इंजन है इसका ये 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। अब यहाँ पे देखें तो आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, कोई आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं है, ये एक नोट करने वाली बात है, नो आर्मरेस्ट हियर। यहाँ पे हैंड ब्रेक है। जो सीट्स हैं इनका शेप काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो इसके हेड रेस्ट इंटीग्रेटेड है, लेकिन ये लगते हैं एज अ सेपरेट यूनिट, तो ये शेप काफ़ी अच्छा है इसका। यहाँ पे Exter की ब्रांडिंग आपको दिखाई देगी, और एक ख़ास बात है इस सेगमेंट में पहली बार देखा गया है कि इसमें आता है एक सनरूफ, ये बहुत ही डिज़ायर्ड फीचर है, और आपको Exter में सनरूफ मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें एक और सेगमेंट फर्स्ट फीचर है कि फुटवेल लाइटिंग आपको इसमें मिलती है, तो जो फुटवेल एरिया है वो इल्यूमिनेटेड है, एक ब्लू कलर की लाइट इसमें आती है, और ये भी एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। इसमें आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, और ये भी एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर है।
यहाँ पे USB पोर्ट दो मिल जाते हैं, AUSB और CUSB, ये भी फर्स्ट टाइम इस सेगमेंट में देखा गया है। अब सवाल आता है कि पीछे ये गाड़ी कैसी है और पीछे स्पेस कैसा है, क्योंकि ये छोटी गाड़ी है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि लेग रूम काफ़ी अच्छा है और हेडरूम की ऑफकोर्स कोई कमी नहीं है, हेडरूम यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जो बैक रेस्ट का एंगल है ये बहुत ही अच्छा है, आप कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हैं इस तरह से। और ऑफकोर्स ये पाँच लोगों के लिए ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी पड़ेगी, यानी पीछे तीन लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, लेकिन जो सीट है ये दो लोगों को बहुत कंफर्टेबली अकोमोडेट कर सकती है। यहाँ पे आपको रेयर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे ड्राफ्ट कंट्रोल भी दिया हुआ है। उसके नीचे यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट्स का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट नहीं मिलते हैं। सो ये पीछे एक बहुत कंफर्टेबल जगह है इसमें, तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और जो डोर्स हैं इसके ये भी काफ़ी वाइड ओपन होते हैं, 90 डिग्रीज तो नहीं होते लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं उसके क्लोज है, तो अंदर आना या बाहर जाना, इंग्रेस एग्रेस इसमें काफ़ी आसान है। और जैसे मैंने बोला, आई लाइक दिस थिंग कि इसमें हेडरूम आपको काफ़ी मिल जाता है। जो हेडरेस्ट हैं ये भी पीछे एडजस्टेबल टाइप के हैं, यहाँ पे 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता है, ये वन पीस सिंगली ओपन होके फोल्ड हो जाते हैं। एंड ऑफकोर्स जो डोर पॉकेट्स में आपको जगह मिल जाती है ये काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे बॉटल आप रख सकते हैं और भी छोटी मोटी जगह है थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए। इसमें जो ऑडियो सिस्टम आता है ये 6 स्पीकर्स का आता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। एक और बात आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे टनल जो है ये बहुत रेज नहीं है, छोटा सा ही है, तो पैर रखने के लिए काफ़ी आसान है। और बीच में अगर कोई इंसान बैठता भी है तो उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऑफकोर्स बहुत कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते जैसे मैंने पहले बताया, बट दिस इज़ अ यू नो स्मॉल कार, स्मॉल SUV है ये। और यहाँ पे फिर भी मुझे स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया नी रूम एंड हेडरूम काफ़ी अच्छा है। अब इसके डायमेंशंस की अगर बात करें तो लेंथ इसकी 3815 mm की है और विड्थ जो है 1710 का है। अगर इसे हम टाटा पंच से कंपेयर करें तो टाटा पंच से लेंथ इसकी थोड़ी सी कम है, टाटा पंच की 3827 है, इसकी 3815 है। विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ है 1710 जबकि टाटा पंच 1742 है, तो पंच जो है इससे वाइडर है। हाइट की बात करें तो 1631 एक्स्टर की हाइट है जो पंच से ज़्यादा है, पंच 1615 mm की हाइट है और एक्स्टर जो है ये पंच से हाइट में ज़्यादा है। और व्हील बेस की अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि अंदर आपको स्पेस कितना मिलता है, तो एक्स्टर की जो व्हील बेस है एक्स्टर का ये 2450 mm का है जहाँ जबकि पंच का 2445 है, तो 5 mm एक्स्टर का जो व्हील बेस है ये ज़्यादा है पंच से। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया अंदर आपको स्पेस काफ़ी सारा मिल जाता है एक्स्टर में। फ्यूल टैंक दोनों ही गाड़ी का सेम है, 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक्स्टर में मिलता है, इसे हम कंपेयर करें पंच के साथ तो पंच में 187 का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। अब सेफ्टी की अगर बात करें तो इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं, इसमें ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है, हिल असिस्ट कंट्रोल आता है और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट इसमें आपको मिल जाएगा। इसके इंजन की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है और साथ में इसमें CNG का ऑप्शन भी आपको मिलता है। जो पावर इसमें प्रोड्यूस होता है पेट्रोल में ये 83 PS का है एट 6000 RPM और इसमें टॉर्क आता है 113.8 Nm का। अब इसके जो पावर फिगर्स हैं ऑब्वियसली आप जानना चाहेंगे कि इसका जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटर पंच है इसका पावर कितना है, तो पंच में आपको 87.8 PS का पावर मिलता है और 115 Nm का टॉर्क मिलता है। अभी गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, चलने में कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, ये सारी बातें मैं इसको ड्राइव करने के बाद ही आपसे शेयर करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको देखने में ये गाड़ी कैसी है, डिज़ाइन कैसा है, फीचर्स वगैरह आपको क्या मिलने वाले हैं। और कोई भी सवाल आपको पूछना है इस गाड़ी के बारे में तो हमें ज़रूर आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप कोई भी सवाल इस गाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं। एक्स्टर में 6 डिफरेंट कलर्स आते हैं, ये एक और कलर आपको दिखाई देगा ब्लू में। और इसके माइलेज की अगर बात करें तो 19.4 किलोमीटर्स पर लीटर का इसका क्लेम्ड माइलेज है और इसे चलाने के बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअली आपको माइलेज कितना मिलता है, बट दीज फिगर्स आर रियली वेरी गुड। अब बात आती है इसकी प्राइस की, तो प्राइस इसकी शुरू होती है 5.99 लाख से और 9.3 लाख तक जाती है एक्स शोरूम। और इसमें काफ़ी सारे वेरियंट्स हैं, अब इसके वेरियंट्स में क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं इसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा और इसका ड्राइव रिव्यू भी बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि Hyundai Exter आपको कैसी लग रही है और क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे इसके ड्राइव रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।